वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए एक ज्ञापन एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। ये ज्ञापन जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में सौंपा गया। इस मौके पर नगर निगम की मेयर पूनम गरेवाल विशेष रूप से उपस्थित रही। शिव कुमार ने बताया कि प्रदेश की जनता वैक्सीन लगवाना चाहती है, लेकिन सरकार वैक्सीन लगवाने में असफल नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेशवासियों में भारी गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर प्रदेश में जागरूकता अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है। सोलन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर वैक्सीन की अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से केवल वैक्सीन प्रदेशवासियों की सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार की वैक्सीन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते सोलन वासियों में रोष व्याप्त हो रहा है। जो वैक्सीन लगाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया था, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में बेहद अंतर है, ऐसे में प्रदेशवासियों को कब कोरोना की वैक्सीन लगेगी, ये बड़ा सवाल है। और आज हमारा जो कार्यक्रम था वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधीश सोलन के द्वारा एक ज्ञापन देने का था। पूरे प्रदेश में आज जिला कांग्रेस कमेटी जो है जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दे रही है, और इस ज्ञापन में जो है हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से कि देश में और खासकर प्रदेश में जिस तरह का माहौल वैक्सीन का चल रहा है, वैक्सीनेशन के बारे में बातें तो बहुत ही करते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं, कभी कहते 18 से 45 साल तक लगेगा, कभी कहते 45 से 65 तक लगेगा, लेकिन असल में लग किसको रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करें और देखें कि ये जो बीमारी है, जो महामारी है, इसमें लोगों को जिस तरह का रिलीफ चाहिए, जिस तरह का सरकार से लोग उम्मीद करते हैं, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी, केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी, प्रदेश सरकार खरी नहीं उतरी। यहाँ कहते हैं आप उस पर पोर्टल पर चले जाएँ और उस पर अपना नाम दर्ज करवा दें, लेकिन 15 मिनट के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है। उसके बाद अगर किसी का नंबर भी आता है तो मैं सोलन का रहने वाला हूँ, मुझे वो चायल की जगह दे देंगे, चायल वाले को परमाणु दे देंगे, जिससे वैक्सीन मिल ही ना पाए। तो हमारा महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है, जिला कांग्रेस कमेटी का भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल इस बारे में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था, आज जिला कांग्रेस कमेटी ने जो है वो द्वारा जिलाधीश महोदय जो है महामहिम से राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि वैक्सीन का जो कार्यक्रम है इसमें तेजी लाई जाए और 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगे, तभी हमारी जो पूरी आबादी है उसमें कवर हो पाए।